आज है 1 जनवरी और अभी बज गए हैं, अभी बज गए हैं 2:30 और मैं बनाने जा रही हूँ। क्या बनाने जा रही हूँ? पैसा बनाओ तो पहले गजब बेइज्जती है। ये देखिए, ये मतलब पिछले साल का ना आया हुआ है, अभी तक नहीं आया। तो फिर ठंडी में कौन आएगा? मैं जा रही हूँ बनाने के लिए मलपुआ, और आज हम लोग लंच में मलपुआ खाएंगे और फिर नाइट में बनाएंगे बिरयानी। फिलहाल मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं नहा चुकी हूँ और मैं चाय पीने जा रही हूँ। अभी तक हमारी मम्मा 15 मिनट हो गया और अभी तक मम्मा ने कुछ नहीं बनाया। कंट्रोल कंट्रोल। तो गाइस देखो, यहाँ पर हवा निकलने लगा, चाय खराब हो गया। मम्मा का साथ यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ चाय पीने के लिए, और ये मैंने और गरम कर लिया है मलपुआ के लिए। क्या कर रहे हो फैजान? हाँ तो आप दोनों क्या कर रहे थे? आप दोनों पढ़ाई कर रहे थे ना? मैंने खा लिया। स्टडी कंप्लीट हो गई आपकी? होमवर्क हो गया? आटा तो मैंने खा लिया। आप ही खाना बना लिया करो। हाँ, इनको मिक्स करना है, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, हो गया। लाइए, मेरा ऑयल गर्म हो गया ना, बना लेती हूँ। कौन है? रुक, कहाँ से आते हैं? गर्म ही हुआ था, बहुत ही मजेदार मलपुआ बना है। ऑलमोस्ट बन ही गया है और मैं साथ साथ में चाय भी पी रही हूँ। मैंने आधा कप चाय पी लिया। थोड़ा सा और बचा हुआ है। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि न्यू ईयर पे आप सब ने क्या किया। तो मलपुआ हो गया रेडी और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। क्या कर रहे हो? अरे मतलब थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मोबाइल देखना शुरू कर देते हो या गेम खेलना? चलो मलपुआ रेडी हो गया, खा के बताओ कैसे बना है। वो ब्रेकफास्ट था बेटा। कैसा लग रहा है मलपुआ? कैसा है? अच्छा है ना? अब कपड़ा पर ना रखे थे वो, खाए था अब प्लेट में रखो। प्लेट निकाल दो। आज का कैसा बना है? सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा? आपके पास दांत नहीं है ना, तो सॉफ्ट सॉफ्ट इसलिए बनाया मैंने। रयान गजब बेइज्जती है। आपका दांत है फिर भी नहीं खाते हो? कैसे आप सब? तो अभी हो रहे हैं, फोन की घंटी अभी बजनी होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो एवरीवन, तो अभी जो है 1 जनवरी की नाइट हो गई, मतलब शाम हो गई है। अभी 6 से 7 बजने वाले हैं, पता नहीं, मुझे पता नहीं टाइम क्या हो रहा है। आई थिंक 6:30 हो गए हैं और अभी मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, वो भी यखनी वाली बिरयानी बनाऊंगी मुरादाबादी स्टाइल की। रेसिपी मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, कुकिंग विद सोनी अंसारी। और मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत इतनी ख़राब हो रही है। मतलब ये होता है बिहाइंड द सीन, आप जब वीडियो शूट करते हो ना, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है किचन की। आप देख सकते हो कि कैसे फैली हुई है पूरा किचन, और इसको समेटने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है। पूरा किचन फैला हुआ है और इतने सारे बर्तन निकले हुए रहते हैं ना,
शूट करने के लिए स्पेशली, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप सबके लिए, तो ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए और प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग कुकिंग की वीडियो शूट कर पाते हैं, पूरा फैला हुआ रहता है किचन इसके लिए। और ये देखिए साथ साथ में मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मेरे छोटे नवाबजादे की फरमाइश है कि उनको मैगी खानी है। और ये हमारी बिरयानी की प्रिपरेशन हो रखी है, ये मैंने बीफ बिरयानी बना रही हूँ, तो ये जो है बीफ जो गोश्त है उसको मैंने बॉईल करके रख दिया है, अब बस पकाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज जो 1 जनवरी पे आप सबने क्या किया, क्या बनाया और कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा प्लीज़। क्योंकि बहुत देर से ही अपने पापा के पास थी, आज बहुत टाइम तक अपने पापा के पास रह ली है, तो अब इसको नींद आ रही है, अब इसे सोना है। डॉल हाय बोलो, डॉल इधर देखो इसे नहीं देखना है आज, इसको कैमरे की तरफ नहीं देखना, नहीं तो ये कैमरे की तरफ ही देखती है और बहुत ध्यान से देखती है। हाय हाय, टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है, फिर मैं आप सबको बताती हूँ। तो फ्रेंड बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी और सबने बहुत तारीफ़ की बिरयानी की। आप सबको भी अगर अच्छी लग रही है तो इसकी फुल वीडियो मेरे कुकिंग चैनल पे मिल जाएंगी। और आज की व्लॉग की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।